उस पर केस हुआ है, भाग रहा है, कितना दिन तक भागेगा? 2-4 दिन तक भागेगा, फिर अपने आप सरेंडर करना पड़ेगा। तो नहीं ना लगता एक जगह का कीचड़ जो है सारे जगह छीटेंगे, वो कीचड़ छीट रहे हैं तो छीटना ही ना हुआ है। माइक ले लिए हैं, शिक्षा मंत्री भी खराब है, मेडिकल स्वास्थ्य विभाग भी खराब है, हर संस्था खराब है बिहार का इनके इनके हिसाब से। उस टाइम चुनाव में जब लड़े थे तो आप सहयोग किए थे कि नहीं? पूरा सहयोग था, शुरू से ही सहयोग था। अब कहे इतना विरोध कर रहे हैं? बताते रहे हैं भाई कि इनके साथ रहने पे हर जगह मुकदमा होने लगता है, तो हम लोगों को शौक नहीं है बार बार मुकदमा कराए या कोर्ट में जाए या जेल में जाए। एक बार हो गया, एक बार से सुधर जाता है इंसान, दोबारा जो साथ में है वो अपना समझेगा। दोस्त बोलिए, भाई बोलिए, जब तक सही काम करते थे तब तक साथ थे। तब भाई को कहे छोड़ रहा है? तो अब बताइए, भाई आतंकवादी हो जाएगा तो आप साथ दीजिएगा? वो आतंकवादी है, एक मिसाल दे रहे हैं, जिसपे केस होता है, जिसको पुलिस खोज रहा है उसको अच्छा नहीं माना जा सकता है। कोर्ट से बरी होकर निकले फिर से भाई मानेंगे? अच्छा, सारे केस में कोर्ट से बरी हो जाए फिर से भाई है? जिसपे कोई भी आरोप लगा हुआ है ना, वो आरोप सिद्ध हुआ है और ना ही आरोप से वो बरी हुआ है, तो मेरे लिए अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा, आप आतंकवादी बोल रहे हैं, और राष्ट्रवादी बोलते हैं अपने को? अरे वो अपने से कुछ बोल देगा, वो तो अपने से सीएम बोलता है, अपने से पीएम बोलता है, बोल देने से नहीं ना हो जाएगा, अपने से अब बिहार हो जाएगा। अच्छा, आप उनको सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? हम कहा सीएम का, बिहार का दोस्त है। अरे बिहार का अब कितना किस्मत खराब कीजिएगा कि इसे आदमी को सीएम बनाइएगा? लोग कहते हैं और खुद वो कहते हैं कि हम अच्छे हैं। लोग नहीं कहते हैं, लोग मजाक करते हैं, वो सीरियस ले लेते हैं। लोग सीएम कैसे बना जाता है पता ही नहीं है लोगों को। ये कोई 5,000 वोट मुखिया का चुनाव नहीं है कि 5,000 वोट मिल गया तब सीएम बन गया। सीएम बना कैसे जाता है ये पता नहीं है उन लोगों का, उनको समर्थकों को। तो लोग मजाक में लिख देते हैं, अगला सीरियस ले लेते हैं। हम क्या बोले, नायक फिल्म डेली 3-4-10 बार देख रहा है। अच्छा। और उसी सपना में जी रहा है। एक बार पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा सारा का सारा भरम टूट जाएगा कि कौन क्या है। सिर्फ तेजस्वी यादव कहीं क्यों टारगेट कर रहे हैं? अरे भाई नाम कमाना है किसी तरह की, तेजस्वी यादव कुछ रिप्लाई दे दे तो हमारा नेता के गिनती में आ जाए। तेजस्वी यादव के सामने 500 कुत्ता भौंकते हैं, किसको किसको अगला बोलेगा? तेजस्वी यादव वोट से जीता हुआ है, फेसबुक के फॉलोअर के वजह से नहीं जीता हुआ है, या फेसबुक के फॉलोअर के वजह से नहीं अपना काम काज संभाल के कर रहा है। तो ये इसके बातों का ज्यादा सीरियस। अच्छा, मनीष कश्यप को चलते हैं, कितने दोस्त जो है उनका जो अभी जेल काटे हैं, जेल में है, जेल से बाहर निकले हैं, उसमें भी केस है काफी सारा। हमको लग रहा है चंपारण से कम 70-80 आदमी ऐसा है जो केस झेल रहा है इनके वजह से, इनके जबान पे कभी भी उन लोगों का नाम नहीं आता है। वो खुद कहते हैं कि मेरा टांग खींचा जाता है। कहाँ टांग खींचा जा रहा है? आप लोगों का टांग खींच रहे हैं कि आपका लोग टांग खींच रहे हैं? आपका टांग क्यों खींचेगा? आपको तो सहयोग किया गया तो इतना आप ऊपर चले गए हैं, और पीछे वाले लोगों का कोई कहीं 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 नाम भी नहीं लेते हैं। आपके जैसा नमक हराम कोई है क्या? आर्मी का बेटा अपने आप को बताते हैं, आपके जैसा नमक हराम कोई पैदा लेता है क्या? नमक हराम का है, नमक हराम जिसका नमक खाए, जिन दोस्तों के कंधा पे रख के आप ऊपर पहुंचे। काबिलियत है, काबिलियत है, अभी 2 महीने के अंदर सारा काबिलियत निकलने वाला है। ऐसा ऐसा आरोप में ही फंसे हैं ना, 2 महीने के अंदर सारा काबिलियत निकलने वाला है। कितना काबिलियत? वो कहते हैं कि हम अपने बदौलत आया हूँ यहाँ तक। हाँ ठीक है, अपने ही बदौलत आए हैं, कोई बात नहीं है। हाँ। तो नमक हराम इसीलिए ना कहा जा रहा है, बाकी हम क्या कह सकते हैं, झगड़ा नहीं ना करेंगे। फिर मतलब कहीं मिलेंगे तो आप उनसे साथ में? मिलेंगे ही नहीं। हाँ। सामने अगर हमको दिखाई भी देंगे ना कि सामने से आ रहा है तो हम रास्ता बदल लेंगे। अच्छा, जेल में जाएंगे तो भेंट करने जाइएगा कि नहीं? क्या है भेंट करने जाएंगे भाई, उनके समर्थकों का कमी है। हाँ। उनके समर्थकों का दोस्त रह चुके हैं ना, हमको जेल से उनसे कोई हमारा रिलेशन नहीं है, हम क्यों जाएंगे जेल से भाई? जब हम जेल गए थे तो वो मिलने आए थे? एक बार भी नहीं गए थे? मिलने आए थे? एक बार भी नहीं गए थे? किसी के लिए भी नहीं खड़ा होते हैं? हमारा छोड़िए ना, हमारा तो व्यक्तिगत मामला है, उनका बाकी जो सहयोगी रहा है उसके पास भी, साथ में के जेल रहे हैं उसको तो पूछ भी नहीं करते हैं आज वो कहाँ है। हाँ। किस हाल में जी रहा है। अच्छा, लास्ट में जो लोग मनीष कश्यप को इतना सपोर्ट करते हैं और सीएम देखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? धीरे 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 सब लोग समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे सब कोई सपना से निकल जाएगा। सीएम वीएम बनना इतना आसान नहीं है, सबके लिए वोट का जो है प्रावधान बनाया हुआ है, लोकतांत्रिक देश है। सीएम ऐसे ही रास्ता चलते हुए कुत्ता को सीएम कोई नहीं बनाता है। कहा इस तरह से कुत्ता कुछ कुछ? अरे बोल, बर्बाद कर दिया, पूरा जनरेशन को बर्बाद करके रख दिया है। क्या अब मोबाइल कैमरा के दम पे पूरा दुनिया सुधार ले तो? ये थे मनीष कश्यप के प्रिय दोस्त चंदन उपाध्याय, जो ये लोगों ने ये मूर्ति तोड़े थे, तो उस केस में ये जेल से काट चुके हैं सजा, और अब जो है उनका खुलेआम विरोध करते हैं। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ राज होगा, जैसे ये खुद बोलते हैं कि मेरे को ये मनीष कश्यप ही बर्बाद किया है। और आप लोग जो उनको सपोर्ट में है, समर्थन में है, अब आप लोग समझ के उनका सपोर्ट करें और उनके पीछे घूमें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए।